और आइए बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। इकोनॉमी को डबल बूस्टर मिला है, एक तरफ खुदरा महंगाई घटी है तो दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। पहले बात रिटेल महंगाई की करते हैं, जो जून में 7.04% से घटकर 7.01% पर पहुंच गई है। महंगाई के आंकड़ों की डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अनुराग शाह से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे रिटेल महंगाई में कुछ कमी आई है, सारे आंकड़े क्या कहते हैं, कहां सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है? देखिए, जून के सीपीआई महंगाई आंकड़ों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो जून का सीपीआई डेटा आया है महंगाई का, वहाँ पर महंगाई दर जो है 7.04% से घटकर 7.01% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और ये जो आरबीआई का टारगेट था पहली तिमाही का, यानी अप्रैल से लेकर जून का, उसका जो औसत है वो उससे 20 बेसिस पॉइंट कम है। आरबीआई का लक्ष्य 7.5% तक के महंगाई का था, लेकिन जो औसत अब हो रहा है वो 7.03% हो रहा है। इसके अलावा अगर हम खाद्य महंगाई की बात करें तो वो 7.97% से घटकर 7.75% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। शहरी महंगाई है, उसमें भी कटौती हुई है 7.08% से घटकर वो 6.92% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कपड़े जूते चप्पल की जो महंगाई दर है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है 8.85% से बढ़कर 9.52% दर्ज की गई है। इसके अलावा जो आज आईआईपी के आंकड़े आए हैं, वहाँ पर भी आईआईपी का जो डेटा है, मई का आईआईपी डेटा, वो 7.1% से बढ़कर 19.6%, काफ़ी बड़ा जंप दिखा है आईपी के आंकड़े में। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है उसमें कटौती दिखी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो 32.1% से घटकर 17.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ है, वहां पर भी गिरावट हुई है। इसके अलावा माइनिंग ग्रोथ है, उसमें भी कटौती हुई है 23% से घटकर 10% तक आई है। तो ये जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा जो आरबीआई की अगस्त की पॉलिसी है, क्योंकि हमने देखा है कि आरबीआई ने जो लक्ष्य दिया था उसको लगातार महंगाई दर है उसको ब्रीच करती जा रही है। और अब देखना होगा कि इस आंकड़ों के बाद जो अगस्त की पॉलिसी में उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं। धन्यवाद करेंगे अनुराग आपका सारे आंकड़े हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं ग्रोथ के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि मई महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में तेज उछाल दर्ज किया गया है। मई में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 19.6% पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में ये 7.1% थी। और सालाना आधार पर मई महीने में इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 7.5% से बढ़कर 23.5% रही। इसी तरह मई में प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 15.8% से बढ़कर 17.7% रही। हालांकि सालाना आधार पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 32.1% से घटकर 20.6% पर आ गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ सालाना आधार पर 80.4% से घटकर 58.5% पर रही है। तो क्या मायने हैं इन आंकड़ों के? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा। संतोष जी, बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। आज के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है समझने, और इनका एनालिसिस करना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी महंगाई के मोर्चे पर हम लगातार चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मंदी की हम बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो खुदरा महंगाई के जो आंकड़े थोड़े कम आए हैं, आपको लगता है महंगाई के मोर्चे पर ये राहत भरी खबर है और आने वाले महीनों में महंगाई में कुछ राहत हमें मिल सकती है रिटेल महंगाई में? मुझे तो इसमें कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है कि अगर 7.04 से 7.01 हो जाती है तो ये स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कहलाती है अर्थशास्त्रियों की भाषा में, स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। तो इसका कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ध्यान रहे कि आरबीआई का लक्ष्य ये है कि वो सीपीआई की दर 2% सालाना से 6% के अंदर रखे, मगर यहां क्या है कि 7% से ऊपर है और थी भी और है भी, तो उसमें हमें जश्न मनाने की तो ऐसी कोई खास बात दिख नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है। कि अगर किसी और को दिख रही हो तो जरूर जश्न मनाए। और
कपड़े जूते चप्पल की महंगाई दर तो बढ़ी है, मगर ये इस पे कोई जश्न बनाने वाली स्थिति ही नहीं है जब आप ये पा रहे हैं कि इसमें फूड इन्फ्लेशन तो दिखाई नहीं दिखा आप क्या पा रहे हैं, खाद्य महंगाई दर 7.97 से 7.75 है, अगेन स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, कोई मतलब नहीं है इन आंकड़ों के कमी होने का। तो खुशी मनाना चाहे जो खुशी मना ले जरूर। और जहां तक ये जो आईआईपी के ग्रोथ की बात है कि बहुत ज्यादा एक फर्क नहीं नजर आ रहा है, इसको हम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे क्योंकि आईआईपी का भी आप जिक्र करने ही वाले थे। आईआईपी के आंकड़ों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है क्योंकि हम जिस तरह एक तरफ मंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इस तरीके के आंकड़े आते हैं तो इन आंकड़ों को हम कैसे रीड करें? जी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है मंथ ऑन मंथ, और उम्मीद ये है कि क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन न्यूनतम स्तर पे वो 60% पहुंच गया था औद्योगिक उत्पादन में, और वो बढ़कर के 72 से 74% पहुंच गया है, और अगर ये 75 से 80 के बीच में पहुंचेगा इस साल के अंत तक तो ये उम्मीद की जा सकती है कि निवेश दर में बढ़ोतरी होगी। मगर ये होगा तो ये तो कि नहीं होगा ये तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ोतरी आपको केवल कॉरपोरेट सेक्टर और संगठित क्षेत्र में दिख रही है, असंगठित क्षेत्र के ये आंकड़े नहीं हैं। आईआईपी के पास सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के नहीं होते हैं, और सारा रोजगार जो है अधिकतर रोजगार असंगठित क्षेत्र में होता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और बहुत जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र के जो आंकड़े हैं उसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द उनका अनावरण करना चाहिए। वो आंकड़े अब तैयार हो रहे हैं मगर उनका असलियत निकल के आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो ये आंकड़े इसमें इंक्लूडेड नहीं। तो आईपी ग्रोथ के आंकड़ों में तो हमें अच्छा उछाल देखने को मिला है। संतोष जी ने इस पूरा दोनों ही आंकड़ों का एनालिसिस बहुत ही डीपली किया है। संतोष जी आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबर इस बीच कच्चे तेल से जुड़ी हुई आ रही है, और बहुत बड़ी खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 7% की भारी गिरावट हमें क्रूड में देखने को मिली है और $100 के पास पहुंच गए हैं ये। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, WTI क्रूड $98 के नीचे फिसल गया है, ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट, क्या हो रहा है ये क्रूड में? देखिए स्वाति, इस वक्त बहुत तेज गिरावट है मार्केट में, और WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड का भाव 6.5% से ज्यादा टूट गया है। हालांकि WTI क्रूड का भाव आज शाम के कारोबार में ही 100 के नीचे आ गया था, और अभी अभी ब्रेंट का भाव भी $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। वैसे तो गिरावट की कई वजह कच्चे तेल के मार्केट में पहले से मौजूद थी, लेकिन अभी अभी जो ये गिरावट बढ़ी है इसके पीछे ताजा खबर ये है कि चाइना में एक बार फिर से कोरोना की चिंता बढ़ी है, और उसको देखते हुए चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, और ये लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा सीवियर होगा, ज्यादा सख्त होगा, और इस मायने में कि वहां पर बिजनेस को बंद करने से लेकर के बॉर्डर सील करने तक की बात हो रही है। जी हाँ, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है, और उसी का इम्पैक्ट है कि कच्चे तेल में तेज गिरावट आई है, और चूंकि चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, लिहाजा अगर वहां पर डिमांड घटती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर दिखेगा, और उसी आशंका को देखते हुए इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। एक पैनिक सेलिंग मार्केट में इस वक्त दिख रहा है, और अगर ये कोरोना की चिंता और बढ़ती है चीन में, और दूसरी तरफ अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, तो ये दोनों देश अमेरिका और चीन दो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं दुनिया के कच्चे तेल के। अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है,
चीन दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लिहाजा ये कच्चे तेल के लिए बहुत निगेटिव खबर है और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। जी, कच्चे तेल में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए मृत्युंजय बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की कवर स्टोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस गिरावट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मुख्य फैसला लिया है। आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को भारतीय रुपए में कारोबार करने की इजाजत दे दी है, यानी कि अब विदेशों से सामान की खरीद और बिक्री में भुगतान के लिए रुपए का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयात और निर्यात का सेटलमेंट भारतीय रुपए में करने की इजाजत दी जा रही है। ये फैसला वैश्विक कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के खातिर लिया जा रहा है। इसके तहत भुगतान का सेटलमेंट करने से पहले अधिकृत डीलरों को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति लेनी होगी। रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड तीन मुख्य तथ्यों पर आधारित होगा। पहला, विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत जो नियम तय किए गए हैं उनके मुताबिक ही सभी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भारतीय रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था होगी। दूसरा, जिस देश के साथ कारोबार हो रहा है उसकी मुद्रा और भारतीय रुपए की कीमत बाजार आधारित होगी। तीसरा, इन कारोबारों का सेटलमेंट भारतीय रुपए में किया जाएगा। आरबीआई ने साफ किया है कि भारतीय रुपए में सेटलमेंट के नियम वैसे ही होंगे जैसे अभी दूसरी मुद्राओं के हैं। अभी तक आयात निर्यात के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर निर्भर हैं, यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना या बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना होता है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है, मतलब वैश्विक कारोबार का 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। अब जब रुपए में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय कारोबार के कई फायदे होंगे। इससे एक्सपोर्टर्स का एक्सचेंज रेट रिस्क कम होगा। एक्सचेंज रेट रिस्क को ही फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। ये करेंसी में उतार चढ़ाव से किसी फर्म के कारोबार पर पड़ने वाला असर है। एक्सचेंज रेट रिस्क कम होने का फायदा उनको मिलेगा जो ऑर्डर तो पहले कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भुगतान बाद में करना होता है। रुपए में कारोबार से फायदा एक ये भी है कि घरेलू कंपनियां और वित्तीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय बाजार को एक्सेस कर सकेंगे। वो सस्ती दरों पर और बड़ी मात्रा में कर्ज उठा सकते हैं। सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को रुपए में अंतरराष्ट्रीय कारोबार का क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं क्योंकि हम सस्ते में कच्चा तेल खरीद पाएंगे। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, भारत खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीजों को दूसरे देशों से लेता है और भेजता भी है। तो रुपए में ट्रेड होने से कारोबारी बेहतर मोलभाव करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं जिससे आम आदमी तक वो सामान सस्ते में पहुंच सकेगा। अब आरबीआई के इस फैसले में कई फायदे नजर तो आ रहे हैं लेकिन ये जमीन पर कितने सफल हो पाते हैं ये काफी हद तक एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर पर निर्भर करेगा, क्योंकि आखिर में इस फैसले को अमल में उन्हें ही लाना है। ये पहली बार नहीं है वैसे जब आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने को कहा हो। पहले भी इसी तरह के फैसले लिए गए लेकिन कारोबारियों ने इसे खास तवज्जो नहीं दी। अक्सर डॉलर की लोकप्रियता और कीमत की वजह से वो डॉलर में ही कारोबार करना पसंद करते हैं। अब देखना होगा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रुपए को गिरावट से उबारने में कितना मदद करता है, ये जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। और चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा। संतोष जी, अब बात रुपए की कर लेते हैं। ऑल टाइम लो हम देख रहे हैं इस वक्त रुपया है। अब ये जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है इसमें आपके एनालिसिस में मैं समझना चाहूंगी, ये जो गिरता रुपए है इसको क्या हम थोड़ा कुछ पुश दे पाएंगे इस फैसले से? हल्का फुल्का असर होगा हमारे गिरते रुपए पर, बहुत नहीं होगा। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि ये केवल लागू होगा कुछ चंद हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग देश जो हैं जिनके संग हम आयात निर्यात करते हैं, जैसे रूस, जैसे श्रीलंका, जैसे संभवतः ईरान और बांग्लादेश, नेपाल संभवतः।
ये इसके इसका अभी भी इंतजाम और हिसाब किताब होना है, मगर इसमें बहुत फायदा इसलिए होने की संभावना कम है क्योंकि पहली बात तो हमारा जो संपूर्ण आयात निर्यात है, ट्रेड है, उसका लगभग 16% पर असर हो सकता है। तो यानी कि उसका असर ये होगा कि डॉलर की जो डिमांड बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर और मजबूत हो रहा है भारत की रुपए के मुकाबले, उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। मगर अंत में, क्योंकि अधिकतर ट्रेड हमारा अभी भी डॉलर में है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि रूस के पास डॉलरों की कमी हो गई है युद्ध के बाद, तो रूस के संग तो ये चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, और श्रीलंका के पास भी डॉलर की बहुत कमी है, तो ये उस आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, जैसा मैंने कहा कि रूस के संग, श्रीलंका के संग और शायद आगे चलते हुए कुछ पड़ोसी देशों के संग, मगर उससे ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ये बात ध्यान रहे कि लगभग 50 साल 1952 से, सॉरी 40 साल रूस के संग, जो सोवियत संघ था, उसके संग हमारा जो सारा आयात निर्यात था उसका भुगतान रुपए में ही होता था, तो वो उसको रूपी रूबल ट्रेड कहते थे। तो इसकी चर्चा हाल में वैसे भी चल रही थी, और ये अच्छा निश्चय है, अच्छा निर्णय है, और इससे थोड़ा सा तो रुपए की जो लगातार निरंतर गिरावट आ रही है, मगर ये ध्यान रहे कि निरंतर गिरावट इस वजह से है रुपए में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत हावी है, यानी कि अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा ली हैं। इस वजह से दुनिया भर के विकासशील देशों से डॉलर वापस अमेरिका की ओर जा रहा है, भारत से भी बहुत जबरदस्त तौर से बहाव हुआ है डॉलर का, क्योंकि हमारी दलाल स्ट्रीट से, सेंसेक्स निफ्टी से पैसा निकल करके बड़ी तेजी से पिछले 6-8 महीनों में वापस गया है, और पिछले 2-3 महीनों में तो खास तौर से गया है, तो उस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई थी, तो उस डॉलर की जो मजबूती है वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है, हमारे अपनी बढ़ती हुई डिमांड डॉलर की, क्योंकि तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा हुआ था, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ये उसको थोड़ा सा रोकथाम लगाने के लिए आरबीआई ने थोड़ा सा इसको शायद इम्पेटस या धक्का दे सकता है, जैसे संतोष जी आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे आपने बताया रूस हो गया, उनके साथ शायद इसमें फायदा मिले, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन रुपीज से नीचे गिर चुका है, शायद उसमें थोड़ा बहुत ये इम्प्रूवमेंट लाने में कारगर साबित हो। लेकिन संतोष जी, अगर हम यूएस की बात करें, यूएस से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ट्रेड की बात करें तो वहाँ पर हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा है बनस्पत इसके इम्पोर्ट के, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ऐसे फैसले से जो यूएस है वो नाराज़ हो जाए, वो इसको इन अ गुड स्पिरिट ना ले और कुछ सैंक्शंस लगाने तक जैसी बात आए, अगर इस तरीके के फैसले को अमली जामा पहनाया जाता है? देखिए, वो कोशिश तो कर ही रहे थे प्रधानमंत्री जी, जब अभी G7 की बैठक में गए थे यूरोप, जर्मनी, तो वहाँ ये मुद्दा मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है ये उठा होगा, माफ करिए। मगर उनको ये भी ज्ञात है कि भारत को तेल के आयात की आवश्यकता है, और अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस जो रूस पे लगी हुई हैं उसकी वजह से आप भारत को, और जो इकोनॉमिक सैंक्शन और देशों पे, ईरान इत्यादि पे लगी हुई है, उसकी वजह से भारत को तेल आयात करने में दिक्कत हो रही है जी। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका
इस बात को समझ रहा है कि हमारी जो कठिनाई है उसका एक निवारण ये है कि हम रूस से आयात करते रहें और रूस को जो हमको भुगतान करना है उसका हम भुगतान रुपए में कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हालांकि ये बात सही है कि इससे रूस को राहत मिली है, क्योंकि रूस से हम अभी तक केवल अपना तेल का आयात का 1% लेते थे, संपूर्ण आयात का, तेल के आयात का केवल 1, और अब वो बढ़कर के 10% हो गया है। वो अच्छा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी भी पूर्ति होनी आवश्यक है। और इस बीच में आज की जो खबर है कि ब्रेंट क्रूड का दाम गिरा है, $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रहा है, ये भी एक आशाजनक गतिविधि है, एक नया मोड़ हो सकता है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, आयात और निर्यात के बीच में अंतर बढ़ता चला जी संतोष जी 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 बहुत धन्यवाद करेंगे संतोष जी इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फायदा होगा, क्या असर, क्या आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या हो सकता है, इस पर अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद हम करेंगे। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर में जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं वो ये है, कोरोना काल में शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा बैठा कि कई लोग अब सिर्फ घर से ही काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की मार कम हुई है, कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम खत्म करना शुरू कर दिया है। इस बीच नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम के मोर्चे पर एक अलग ही रास्ता अपनाया है। नीदरलैंड में वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल नीदरलैंड की संसद वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाने वाली है। हाल ही में यहाँ की संसद के निचले सदन ने इससे जुड़ा हुआ एक कानून पास किया भी था, जिसे अब सेनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए मना नहीं कर पाएंगी। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने से इनकार करने के लिए वाजिब वजह बतानी होगी। ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड में कोरोना के दौरान ही वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, यहाँ कोरोना से पहले भी 14% लोग घर से ही काम कर रहे थे। अब इसे कानूनी अमली जामा पहनाया गया है। यूरोपीय देशों में भी कोरोना से पहले वर्क फ्रॉम होम कल्चर रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून की व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं है। कोरोना के बाद ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे रहे हैं। ब्रिटेन में भी अधिकांश कंपनियों के कर्मचारी घरों से काम कर रहे हैं। गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक लोग घर से काम करने को तवज्जो दे रहे हैं। ब्रिटेन में घर से बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद महामारी के पहले की तुलना में अब 22% कम है। वहीं स्पेन और फ्रांस में ऑफिस जाने वाली जनसंख्या 9% घटी है और जर्मनी, 7 और इटली में 6% कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में काम के लिए दफ्तरों तक पहुंचने वालों की संख्या कम ही बनी हुई है। कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम का खुमार ऐसा चढ़ा है कि कई लोग सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जा रहा। CLHR सर्विसेज की ओर से किए गए एक सर्वे में शामिल 60% कर्मचारियों ने ऑफिस जाकर काम करने के बजाय नौकरी छोड़ना बेहतर समझा। यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस की ज्यादा सैलरी की पेशकश को भी ठुकरा दिया। ऐसे में कई कंपनियां हैं जिन्होंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है, वहीं कुछ ने हाइब्रिड वर्क कल्चर शुरू किया है। कुछ संस्थानों ने तो हाइब्रिड कल्चर परमानेंट बेसिस पर शुरू भी कर दिया है, जिसमें आप कुछ दिन ऑफिस में काम कर सकते हैं तो कुछ दिन घर से। कंपनी और कर्मचारी दोनों को ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी हद तक पसंद भी आ रहा है। इनमें देश की 3 बड़ी IT कंपनियां HCL, इन्फोसिस और TCS शामिल हैं। धीरे धीरे कई और कंपनियां भी इस कल्चर को अपना रही हैं। कई लोग इसे भविष्य के तौर पर एक अच्छे वर्क मॉडल के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 5 में से हर 3 व्यक्ति इसे अपनाना चाह रहा है। वहीं कंपनियों को भी इससे फायदा नजर आ रहा है। साथ ही ऑन डिमांड वर्क स्पेस की बढ़ती मांग भी हाइब्रिड वर्क मॉडल का एक कारण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सभी कंपनियों को अब हाइब्रिड वर्क कल्चर पर फोकस करना चाहिए? चलिए, ये बात हुई कि किस तरीके से हम हाइब्रिड वर्क कल्चर पर बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ
खास मेहमान भी हैं, उनसे हम चर्चा करें। उससे पहले आपको बताएं कि वर्क फ्रॉम होम तरीके से नौकरी का नया ट्रेंड जो बन रहा है उसके चलते अब नीदरलैंड तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से वो अब नीदरलैंड के बाद जो बाकी जो कंट्रीज हैं टीम लीज डिजिटल के सुनील चेमन कोटिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस चर्चा में। वर्क फ्रॉम होम को लेकर जब से ये कोविड का टाइम आया है बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब तो नीदरलैंड में ऑलमोस्ट हम देख भी पाएंगे कि हाँ इसको लेकर इसको कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें, क्या वाकई हाइब्रिड कल्चर अपनाना चाहिए? क्या इसके लिए हर कोई तैयार है? अगर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य की बात ही करें, आर वी रेडी फॉर इट? सुनील जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सुनील जी से फिर से संपर्क करेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, हमने आपको पहले बताया, पहले से ही वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। और ये monster.com की रिपोर्ट भी बताती है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आवेदन जनवरी से लेकर मार्च तक, मतलब किस तरीके से जो आवेदन थे वो भी बढ़ते चले गए कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो एम्प्लॉयज को अपनाने के लिए अब वो ज्यादा इंकरेज हो रहे हैं। चलिए अब टीम लीज डिजिटल के सुनील चेमन कोटल से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। सुनील जी स्वागत है आपका चर्चा में, होपफुली आप मुझे सुन पा रहे होंगे। हाइब्रिड वर्क कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड में तो ऑलमोस्ट बात पक्की ही हम मान सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, क्या इसके फायदे हो सकते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी? देखिए फायदे तो काफी है, हमने पैंडेमिक के दौरान देखा है कि एम्प्लॉयज घर से काम करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी अच्छा रहा है, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि क्या हम हमारा रेगुलेशंस है ये सब करने के लिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और वर्क कल्चर में हमारा जो फ्रेमवर्क है वो तैयार अभी नहीं है सब कंपनियों में। पहले हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि नेदरलैंड्स में यू नो लीगल हो गया, तो उन लोगों ने काफी रिसर्च करके सब फ्रेमवर्क बनाया है और पास किया है, जबकि थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ पर आ रही है हमें। हम एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करेंगे इसकी और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या हम वाकई तैयार हैं वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल के लिए। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि खास तौर पर अगर हम अगर अलग अलग कंपनीज की बात करें, एम्प्लॉयज तो रेडी है, लेकिन क्या कंपनी इसके लिए पूरी तरह फ्रेमवर्क बनाने के लिए तैयार है? सुनील जी से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। सुनील जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे और आप कह रहे थे कि क्या हम वाकई इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या एक जो नॉट ओनली पेपर पर आर वी मेंटली ऑल्सो रेडी फॉर इट? यस, फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से। दूसरा, गवर्नमेंट का रेगुलेशंस भी पास होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को काम करते वक्त कुछ हो गया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स के लिए भी अभी कवरेज है कि नहीं अगर घर से काम कर रहे, वो सब चीजें काफी मायने रखते हैं, वो सब देखना पड़ता है। उसके अलावा मेंटल स्टेटस की आप जो बात कर रहे हैं, जो सीनियर्स है जिनको ये यू नो एम्प्लॉयज रिपोर्ट करते हैं, उनका भी मनोस्थिति होनी चाहिए कि हम उनको इनफ यू नो उनका ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें ताकि उनके एक्टिविटी पे ना फोकस करें। तो वो इन सब चीजों में थोड़ा टाइम वक्त लगेगा फुल फ्लेज्ड बनने में।
और क्योंकि अट्रिशन रेट आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा बन रहा है सुनील जी, कि कई सेक्टर्स में अट्रिशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्लॉयज को दे दी जाती है कि आप हाइब्रिड मॉडल अपना ले, तो अट्रिशन रेट मतलब नौकरी छोड़ने वालों की संख्या, जो उनके भी मन में बदलाव आ सकता है कि चलिए हमारे पास काम करने की आजादी है, घर से काम करो या ऑफिस से काम करो, तो ये मॉडल वहां पर कारगर साबित हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हाल ही में गार्टनर ने एक सर्वे किया था, उसमें 50% एम्प्लॉयज ने थम्सअप दिया है यू नो हाइब्रिड वर्क कल्चर के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और वो लोग थोड़े लंबे समय तक कंपनी में रह सकते हैं छोड़े बगैर। सो मेरे ख्याल से यू नो हमको रोल्स देख के नक्की करने चाहिए कि कौन सा रोल्स घर से काम कर सकते हैं और कौन सा रोल्स ऑफिस से काम करना चाहिए, और एक हाइब्रिड कल्चर के लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जरूरत है। तो वर्क लाइफ बैलेंस को अब लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड में तो कानून बनाने की तैयारी है, भारत में कई कंपनीज ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को ये आजादी देती है कि आप या तो घर से काम करें या तो फिर ऑफिस से काम करें, लेकिन पूरी तरह इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील चेमन कोटल जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आइए अब आपको आज के शेयर बाजार का हाल भी बताएं। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजार बिकवाली के शिकार हो गए। अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजारों में सुस्ती रही। आज सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स दबाव में दिखा। निफ्टी में 16,100 के आसपास कारोबार होता रहा। बैंक निफ्टी ने भी 35,200 से 35,250 को होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी एक घंटा बाजार पर पड़ा भारी। दोपहर बाद डाउ फ्यूचर्स 250 अंक कमजोर हुए। आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ने से बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 509 अंक टूटकर 53,886 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 158 अंक गिरकर 16,000 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 337 अंक लुढ़ककर 35,132 के लेवल पर आज जाकर बंद हुआ है। और मार्केट में एक्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं। आज तो बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा और क्रूड भी हमने देखा, बहुत ज्यादा उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, पर हम आपसे समझना चाहेंगे अभी बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए। आई थिंक स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज भारी बिकवाली हुई, उसका एकमात्र कारण था कि अभी नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। आई थिंक मार्केट्स जो इंडेक्स लेवल पे है वो 16,000 का लेवल बहुत क्रूशली वॉच कर रहा है। अगर ये 16,000 का लेवल कहीं भी आने वाले हफ्ते में टूटता है तो डेफिनेटली मार्केट्स को दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट काफ़ी छोटे समय में मार्केट्स बहुत उछल गया था, ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग के कारण। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का इशू है। सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन को लेके अभी भी काफ़ी दिक्कत है। इनफैक्ट आज जो इन्फ्लेशन का नंबर आ गया है वो थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन अभी भी काफी एलिवेटेड है। अच्छी बात है कि आईआईपी का ग्रोथ का आंकड़ा थोड़ा सा अच्छा आ गया, प्लस जो कंपनी के नतीजे जो आज आ गए एचसीएल टेक, वो भी थोड़ा सा निराशक है, क्योंकि मार्केट्स को अनुमान था कि मार्जिन में फर्क आएगा, लेकिन एट्रिशन वापस 23-24% हो चुका है। तो अभी आने वाले दिनों में इंडेक्स से ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी नतीजों के नंबर्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आएगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आने वाले 3-4 दिनों में इंडेक्स से ज्यादा अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक काम करे तो वो तो उनके लिए अच्छी तरह से लाभदायक हो सकता है। 16,000 का लेवल इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो मुझे लग रहा है कि 16,200-16,300 जब तक मार्केट ऊपरी लेवल पे क्रॉस नहीं करता, तब तक ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऐसे ही साइड में रहेगा। जो सेक्टर्स चलेंगे एक दो तीन दिनों के लिए वो बैंकिंग और मेरे ख्याल से ऑटो कंपोनेंट रहेंगे, जहां पे अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी बाजार पर अपनी एनालिसिस के लिए आपका। रुकते हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, इंडिया 360 डिग्री में कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे थोड़ी देर में। Make your furniture work beautifully. German quality you can trust.
Healthy Life AgriTech Limited launches its IPO on SME platform of BSE Limited. Issue price of Rs. 10 per equity share. IPO opens on 13th July 2022 and closes on 18th July 2022. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. इंडिया 360 डिग्री में अब बात करते हैं देश भर में पड़ रही मौसम की मार की। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में बारिश से भारी तबाही। कई जिलों में बारिश से हाहाकार। अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। गुजरात में हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी जिले की इन तस्वीरों को देखिए। पूर्णा नदी पूरी तरह से उफान पर है। भारी बारिश के कारण इलाका पानी में डूबता नजर आ रहा है। जिले में हर तरफ पानी ही पानी है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब हम आपको वलसाड की भी तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। वलसाड जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को आज बंद कर दिया गया है। राजकोट में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं। अहमदाबाद में भी बारिश का कहर जारी है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर सूरत समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुजरात में अब तक 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बारिश को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ और बारिश की तबाही से काफी ज्यादा परेशान है। पुणे, नासिक, मुंबई, पालघर, महाराष्ट्र में भी बारिश ने कहर मचा रखा है। कई इलाकों में बारिश से तबाही है, तो वहीं अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। अब तक 83 लोग इस आसमानी आफत के शिकार बन चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये पुणे के खड़कवासला डैम की है। ये डैम भारी बारिश की वजह से पूरी तरह भर चुका है। डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। नदी किनारे के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। अब जरा नासिक की तस्वीरें देखिए। नासिक में बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है। एहतियातन नदी के किनारे के इलाकों को खाली करा दिया गया है। गोदावरी नदी उफान पर है। प्रशासन ने रेड अलर्ट देखते हुए 3 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं लगातार बारिश के हालात ये हैं कि नासिक के कई मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। कसारा घाट में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में नासिक जिले में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। नासिक के अलावा महाराष्ट्र के पालघर, पुणे समेत 4 जिलों में 11 तारीख से 14 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। घाट एरियाज ऑफ नासिक, पुणे,
सतारा एंड कोल्हापुर एंड कोंकण का जो एरिया मोस्ट वल्नरेबल है रत्नागिरी रायगढ़ पालघर आल्सो। मुंबई के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डे टू एंड डे थ्री में ज्यादा रेनफॉल होने का संभावना है। हमने मुंबई के लिए अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। अब जरा पालघर की तस्वीरें देखिए। पालघर में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सूर्या और वैतरणा नदी उफान पर है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद ये जलस्तर और बढ़ गया। ऐसे में नदी किनारे स्थित गांवों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क रहें। बारिश तेज हुई तो उन्हें तुरंत निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जाएगा। वहीं सांगली शहर में भारी बारिश की वजह से जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। अभी वारना डैम में तकरीबन 55% पानी की लेवल है और वारना नदी के पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। इस कारण वारना नदी के जो नज़दीक की खेती है उसमें भी ये पानी जा रहा है, तो दूसरी तरफ कृष्णा नदी का पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। सांगली के आयरविन ब्रिज के नज़दीक पानी का लेवल 18 फीट तक गया है। अब जरा राजधानी मुंबई की तस्वीरें देखिए। हमेशा की तरह पानी पानी रहने वाली महानगरी मुंबई की रफ्तार आज भी बारिश ने रोक दी। सायन और चेंबूर में पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने आज पहले ही तेज बारिश की चेतावनी दी थी, साथ ही हाई टाइड के लिए भी वार्निंग जारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑनलाइन ठगी नई नहीं है, मगर ठग इसके जरिए लोगों को खूब ठग रहे हैं। इसी पर देखें अब खास पेशकश, डिजिटल डकैती से कैसे बचें। यूपीआई पेमेंट ऐप्स पर अक्सर हम रिवॉर्ड देखकर उत्साहित हो जाते हैं। मेल और फोन पर मिले स्क्रैच कार्ड को तो हम सभी स्क्रैच करते हैं। कई बार अच्छा कैशबैक रिवॉर्ड भी मिल जाता है, मगर साइबर पुलिस की माने तो इन ऐप्स पर भी डिजिटल ठग ऐसे कैशबैक नोटिफिकेशन भेजते हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट में आसानी से सेंध लग सकती है। यूपीआई पेमेंट ऐप्स ने हम सबके लिए पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान कर दिया है। NPCI के डेटा की माने तो जून 2022 में UPI ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। डिजिटल पेमेंट्स को सरकार समेत हर एक प्लेटफॉर्म एनकरेज करता है और यूजर को ऐप पर बनाए रखने के लिए कैशबैक जैसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन अब जरा बचकर रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इन रिवॉर्ड्स के नाम पर कई ऐप्स में ऐसा कैशबैक रिवॉर्ड भी आता है जो खाता खाली कर सकता है। फोन आया था और वो बोल रहा था कि आपको फोन पे रिवॉर्ड लग गए, तो मैंने चेक किया तो मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिख रहा था, तो वो बोला कि आप नोटिफिकेशन में जाओ और उसमें रिवॉर्ड है। तो मैंने देखा तो 4000 का मेरे को रिवॉर्ड था, तो मैं बोला ठीक है, हाय 4000 का रिवॉर्ड है मेरे को। तो वो बोला कि आप उधर जाके एक लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो, तो मैंने क्लिक किया तो उसके बाद है ना मेरे को मेरा UPI पिन डालने के लिए बोल रहा था वो, तो मेरे को समझ में आया कि ये मेरे अकाउंट से पैसा जाने वाला है। तो मैं उसको बोला कि आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। बाद में मैंने वो उधर जाके नोटिफिकेशन जाके देखा तो उसने नोटिफिकेशन भी निकाला था वो। दरअसल पेमेंट ऐप्स की कुछ APK फाइल्स हैक करके हैकर एक कैशबैक का नोटिफिकेशन ऐप में भेजता है। क्योंकि इन ऐप नोटिफिकेशन होता है इसलिए यूजर का विश्वास जीतना आसान हो जाता है, और इसी विश्वास को जीतकर हैकर आपसे आपका पिन या OTP लेकर कोई कैशबैक देने की बजाय आपका कैश ले उड़ता है। यदि समझो किसी को रिवॉर्ड मिलने वाला है तो उसको पिन नंबर डालना पड़ेगा, और यदि वो कोई पिन नंबर मांग रहा है तो समझ लेना आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो पिन नंबर डालने से पहले सोचना चाहिए कि खाली ट्रांजैक्शन के लिए आपको पिन नंबर दिया जाता है, रिवॉर्ड्स के लिए पिन नंबर कोई मांग रहा है तो ये साइबर क्रिमिनल सोच के वो उसको पिन नंबर देना नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह के फ्रॉड से बचना है तो किसी भी लालच में मत आए, किसी के साथ भी अपनी UPI ऐप का पिन या OTP शेयर मत करें। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। कैंसर के इलाज में भारत को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। टी सेल थेरेपी से इसके इलाज में अमेरिका में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, मगर देसी फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस इलाज को 20 से 30 लाख रुपए में कराने की कोशिश में जुटी हुई है।
कैंसर में खासकर ब्लड कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कल की बात होगी। कार टी सेल थेरेपी इस बीमारी के इलाज में रामबाण साबित हो रहा है। दुनिया भर में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके चमत्कारी रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन ये थेरेपी बेहद महंगी है। अमेरिका में इसका खर्च करीब 4 से 5 करोड़ रुपए आता है, वहीं भारत में इसके जरिए इलाज की सुविधा नहीं के बराबर है। ऐसे में भारतीय फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप कैंसर का सेल थेरेपी से इलाज अमेरिका के मुकाबले केवल 10% खर्च में मुहैया कराने की तैयारी में है। समझते हैं कि आखिर क्या है कार टी सेल थेरेपी, कैसे ये मरीजों पर काम करती है। दरअसल कार यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को ही छोटे रूप में कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। ये वो टी सेल्स हैं जिनसे जीन इंजीनियरिंग के जरिए कृत्रिम टी सेल्स तैयार की जाती हैं। ये टी सेल्स इम्यूनोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती हैं। सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें शरीर से बाहर अनुवांशिक रूप से बदलाव किया जाता है और दोबारा मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। इसके नतीजे कुछ सप्ताह में दिखने लगते हैं और कई साल तक बने रहते हैं। भारत की फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार की बायोफार्मा मिशन, आईआईटी बॉम्बे, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हैदराबाद की इम्यूनो एक्ट और कुछ स्टार्टअप शामिल हैं। जिस तेजी से इस पर काम चल रहा है उसे देखते हुए 2 साल के भीतर भारत में कार्ड सेल थेरेपी से इलाज शुरू करने की संभावना बन सकती है। इससे पहले देश में पहली बार पिछले साल जून में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार टी सेल थेरेपी के जरिए सफल इलाज किया गया था। इसमें भी कार टी सेल्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम आईआईटी बॉम्बे ने किया था, लेकिन चुनौती यही है कि कैसे इलाज के खर्च को 30 लाख रुपए तक लाया जाए। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाएगा। खूबी की बात करें तो कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज में जहां 3 या इससे अधिक साल लग जाते हैं, तो वहीं कार्ड थेरेपी से महज 3 हफ्ते में इलाज संभव है। भारत में एक और वजह से कार्ड थेरेपी बेहद कारगर होगी, क्योंकि यहां हर साल कैंसर के करीब 12 लाख मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 7.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है, लेकिन भारत में कार टी सेल थेरेपी के सस्ते इलाज मिलने से कैंसर के अधिक से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन दिनों पूरा यूरोप गर्मी की मार झेल रहा है, जहां फ्रांस और स्पेन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, वहीं जर्मनी में पारा 38 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। एशिया के तमाम देश जो इन दिनों गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं यूरोप पर भी गर्मी का कहर टूट रहा है। खास तौर पर स्पेन के लोग इन दिनों गर्मी की मार से बेहाल है। सालों बाद स्पेन के लोगों ने हीट वेव का अनुभव किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं ने स्पेन में गर्मी बढ़ा दी है, जिसका असर 14 जुलाई तक रह सकता है। मैड्रिड में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं हरे भरे कासा डे कैंपो पार्क में लोग झील के किनारे पेड़ों के नीचे बैठकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कासा डी कैंपो में एक बिल्डर ने गर्मी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे एक झूला लगाया है। The big problem for me is sunburn, so a bit longer I might get better, but lots of sun cream. Top three things: early water, sun cream. एक अनुमान के मुताबिक दक्षिणी स्पेन के कोरबोडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भारत की ही तरह स्पेन में भी बुजुर्गों को ज्यादा गर्मी में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ज्यादा पानी पीने की भी सलाह दी गई है। स्पेन में लू के दौरान जंगल में आग लगने की भी घटनाएं बढ़ गई हैं। मध्य और दक्षिणी स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही।